आप वीआईपी कल्चर के खिलाफ है, लेकिन कल जो भी हुआ, जिसकी आपने जांच के आदेश दिए, जी आप तक मामला क्या पहुंचा और आपने आदेश क्यों दिया? देखिए, ऐसा है कि ये आप लोग भी जानते हैं कि पहले दिन से मैंने ये कहा था कि मेरे लिए कहीं पर भी ट्रैफिक नहीं रोका जाए। ट्रैफिक दो ही सिरे में रोका जा सकता है, अगर कोई इमरजेंसी हो या फिर कोई थ्रेट परसेप्शन, कोई इनपुट हो कि कोई हमला होने वाला है या कोई जानबूझकर निदर्शन करने वाले हैं या कोई अनटूवर्ड इंसिडेंस होने वाला है, उसको छोड़ के कभी भी रोका नहीं जाए। और यही फॉलो होता है। मुंबई में कभी भी मेरे लिए ट्रैफिक नहीं रोका जाता, नागपुर में नहीं रोका जाता, कुछ शहरों में ध्यान में आया तो मैंने तुरंत ये कहा कि मेरे लिए ट्रैफिक रोकने की आवश्यकता नहीं है और इसलिए ट्रैफिक कहीं रोका नहीं जाता। कल भी जो इंसिडेंस हुआ, उस इंसिडेंस में जब मुझे पता चला कि मेरे लिए ट्रैफिक रोका या मैं वहां पर हूं और मैं बाहर आ रहा हूं इसलिए किसी को एंट्री डिनाई की गई, तो मुझे लगता है कि इसकी आवश्यकता ही नहीं है और ये पुलिस ने ये करने की आवश्यकता नहीं थी। मूल रूप से मैंने 7 बजे वापस इंस्ट्रक्शंस दिए थे जब मुझे ये पता चला कि ट्रैफिक स्लो है, क्योंकि वहां 2 कार्यक्रम चल रहे हैं। जो सीपी मुंबई है वो इसके बारे में पूरा एक सब लोगों से बात करके एक रिपोर्ट मुझे देंगे और फिर उस रिपोर्ट के आधार पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। पिछले 2 दिनों में महाराष्ट्र में सभी विभागों में बहुत बड़े पैमाने पर अचानक बारिश हुई है और इससे काफी नुकसान भी हुआ है। खासकर यवतमाल जिले में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, 3 लोगों का मृत्यु भी बिजली के गिरने से हुआ है। बड़े पैमाने पर ऐसा ध्यान में आता है कि पॉकेट्स में इसका नुकसान दिखाई पड़ रहा है। हमने तुरंत उसका सर्वेक्षण करने के आदेश दिए हैं, लोगों को जो उसमें मदद करनी है वो मदद तुरंत की जाए, ये भी हमने कहा हुआ है। और इसका कुल नुकसान कितना है इसका हम लोग अंदाजा लेंगे, उसका पंचनामा करेंगे और किसानों को जो भी उसमें मुआवजा देना है वो राज्य सरकार देगी। ये जो अचानक बारिश हुई है इसके कारण टेम्परेचर नीचे आया है और टेम्परेचर नीचे आने से स्वाइन फ्लू के बढ़ने की आशंकाएं बढ़ती है। टेम्परेचर जब बढ़ता है तो वो कम होता है और इसलिए अगले 15 दिन हमारे लिए क्रिटिकल है। हमारा ये प्रयास है कि इस मामले में केवल सरकारी अस्पताल नहीं तो जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है वहां पर भी जो लोग ट्रीटमेंट लेंगे उनके दवाई या एसेंशियल्स के जो पैसे वो हम लोग रीएम्बर्स करेंगे। और हमने प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी ये कहा है कि वे H1N1 के पेशेंट्स को एडमिट करें और उनके ऊपर तुरंत उपचार करें और पैसे के लिए किसी का भी उपचार न रोका जाए, ये भी इंस्ट्रक्शंस हमने उनको दिए हुए हैं। मुंबई, पुणे, नागपुर, लातूर और औरंगाबाद, पुणे के साथ पिंपरी चिंचवड भी है, ऐसे इलाकों में, तो शहरी इलाकों में ये ज्यादा हो रही है और इन 5 इलाकों में 90% केसेस है, तो इनकी वल्नरेबिलिटी को समझते हुए हमने यहां पर ज्यादा इफेक्टिवली काम हो ये प्रयास किया हुआ है।